मवेशियों की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। क्राइम ब्रांच पुलिस की यूनिट 3 ने मंगलवार को पांच पावली और तहसील में कार्रवाई करते हुए एक तस्कर सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। दो आरोपी फरार होने में सफल हो गए। गिरफ्तार आरोपियों में तीन वाहन चालकों का समावेश है। दोनों जगह से पुलिस ने 23 मवेशियों को मुक्त कराया। मवेशियों और तीन मालवाहक वाहन सहित करीब 30,90,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार यूनिट 3 ने 7 जून को सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच गुप्त सूचना पर पांच पावली इलाके में अफसर होजियरी के सामने सार्वजनिक रोड तहसील और हबीब नगर में दबिश दी। तहसील परिसर से दो मालवाहक वाहन और पांच पावली से एक मालवाहक वाहन जब्त किया। पुलिस ने आरोपी चालक श्रीवास ढोबले राजे दहगांव जवाहर नगर भंडारा, चालक निर्मेश चंदेल योगी अरविंद नगर यशोधरा नगर, चालक अतुल कुंजेकर कोंडा कोसरा पवनी भंडारा और मवेशियों की तस्करी में लिप्त आरोपी शहनवाज अब्दुल समद बंदिनवाज नगर सुदाम नगर यशोधरा नगर निवासी को गिरफ्तार किया। आरोपी सोनू कुरेशी मोमिनपुरा और समीर वनदेवी चौक निवासी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। आरोपी शहनवाज और सोनू कुरेशी मवेशियों की तस्करी में लिप्त बताए जा रहे हैं। यह आरोपी भंडारा जिले में कोंडा कोसरा में लगने वाले मवेशियों के सबसे बड़े बाजार से मवेशियों की खरीदी कर उन्हें भूचड़ खाना पहुंचाने का काम करते हैं। पुलिस ने मवेशियों को गौशाला में भेज दिया। आरोपियों पर धारा 5A/8-9A के तहत मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर। कल माननीय पुलिस आयुक्त सरांनी जनावरांची जी अवैध वाहतूक केली जाते त्या संदर्भामध्ये आम्हाला एक विशेष मोहीम राबवण्यासाठी आदेशित करण्यात आलेले होते। त्या अनुषंगाने माननीय पुलिस उपायुक्त पंडित सरांनी जे आदेश दिलेले होते त्यानुसार क्राइम ब्रँचचे सर्व टीम या कामामध्ये कालपासून होते। पेट्रोलिंग दरम्यान आम्हाला माहिती मिळाली होती गोपनीय बातमीदारांकडून की 3 टेम्पो नागपूर शहरामध्ये हे जनावरांची कत्तल करण्यासाठी घेऊन येत आहेत। त्यानुसार आम्ही सापळा रचला होता आणि आम्हाला हे वेगवेगळ्या ठिकाणी 3 टेम्पो मिळून आले। त्याच्यामध्ये एक ट्रक आहे आणि 2 बोलेरो पिकअप आहेत। याच्यामध्ये आम्हाला एकूण 23 जनावरे मिळून आली, गाई आणि बैल काही बछडे आहेत। याच्यामध्ये आम्ही टोटल 4 आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे आणि 2 आरोपी मिळून आलेले नाहीत, त्यांचा शोध घेत आहोत।